जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपने ये कहावत तो अक्सर सुनी होगी। मुझे लगता है कि ये कहावत जरूर इश्क में पड़े आशिकों ने बनाई होगी। इसीलिए तो इस कहावत से इंस्पायर होकर कई प्रेमी जोड़े बिना फैमिली अप्रूवल के घर से भागते हैं और शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अब गुजरात में सिर्फ मियां बीवी की रजामंदी काफी नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच आने वाला है एक काजी। ये काजी कौन है? ये काजी है खुद गुजरात सरकार, क्योंकि बिना पेरेंट्स के अप्रूवल के गुजरात सरकार नहीं बजने देगी बैंड बाजा। कैसे वो हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टीम। जी हाँ, गुजरात में कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है और काफी मुमकिन है कि ये माहौल जल्द ही कानून में बदल जाए। दरअसल गुजरात सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत लव मैरिज करने के लिए पेरेंट्स के कानूनी अप्रूवल की जरूरत होगी। अब जरा इस कहानी का बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार कम्युनिटी की तरफ से आयोजित की गई एक सभा में पाटीदारों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने एक चिंता जताई। चिंता यह है कि आए दिन लड़के और लड़कियां घर से भागकर शादी कर लेते हैं। ऐसे मामलों में लव जिहाद के मामले भी शामिल हैं। पाटीदारों ने यह भी मांग रखी कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसके तहत शादी के लिए पेरेंट्स का कानूनी अप्रूवल जरूरी होना चाहिए। भूपेंद्र पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मन मर्जी वाली शादी को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस बात की जांच की जाएगी कि क्या ऐसा कानून संविधान के दायरे में आता है। अगर हाँ, तो फिर ये कानून बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। फायदा यह कि शायद इस कानून के जरिए बैड मैरिजेस पर रोक लगे, और नुकसान ये कि शायद इस कानून के जरिए पेरेंट्स बच्चों पर अपने जबरदस्ती के फैसले थोपें। अब जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई है, तब से मीडिया में इसे लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कोई इसे प्रिमिटिव एरा का कानून बता रहा है, तो कोई इसे असंवैधानिक बता रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि आज के वक्त में जब शादी के लिए पार्टनर चुनना अपनी पर्सनल च्वाइस बनता जा रहा है, क्या ऐसे में भारत के यूथ यानी नौजवान इस कानून से रिलेट कर पाएंगे? क्या 21वीं सदी की जनरेशन इस कानून का पालन कर पाएगी? क्या इसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।